हेलो गाइस, आज हम लड्डू गोपाल को तैयार करेंगे तिल गुड़ के अवसर पे। पहले गुनगुने जल से नहलाएंगे, फिर गुनगुने दूध से नहलाएंगे। मेरे चैनल पे अगर न्यू फ्रेंड्स हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर दही से नहलाएंगे। और मेरे लड्डू गोपाल को नहलाने का तरीका कैसा लगा, फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगेन गुनगुने जल से नहला के इसे साफ करेंगे। अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, सबको शेयर करिएगा। राधे कृष्ण। तो हमारे लड्डू गोपाल फ्रेश हो गए हैं। चलिए अब इनको कपड़े से पोंछ देते हैं। ठंडी का महीना है तो लड्डू गोपाल को बिठाएंगे, थोड़ी देर धूप में बिठाएंगे। तो चलिए अब इनको तैयार करते हैं। पहले कपड़े पहनाएंगे, फिर हार पहनाएंगे, फिर बांसुरी रखेंगे। ये बांसुरी मैं बनाई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे इनका वीडियो है। और ये पेपर का हार भी मैं चढ़ाऊंगी, पेपर का हार मैं बनाई हूँ, वीडियो डाली हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए मुकुट पहनाते हैं। मुकुट मैं इनको और भी नए खरीद के लाई हूँ, अभी फ़िलहाल ये मुकुट पहनाएंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं, तो चलिए अब फूल से इनका पूजा करेंगे। और हमारे लड्डू गोपाल को तुलसी के फ्लावर बहुत प्रिय हैं, तो तुलसी के फ्लावर भी चढ़ा देते हैं। अब चलिए मोर का मुकुट लगा देते हैं। और मैं फूलों से भी सजा दी हूँ लड्डू गोपाल को चारों साइड से। अब चलिए तिल की पंजीरी मैं चढ़ा दी हूँ, इसमें तुलसी डाल करके, और ये पंचामृत। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।